हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लोगों का ये था कि सर क्या हम लोग पास लिटमस है, लिटमस का स्कोर है तभी हम लोग मैम के फिक्ल अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये है वो जिसमें आपको एम केट का जो लिटमस होता है स्कोर होता है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए, सिंपल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में इन तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। और फिर नंबर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके फिर से शेयर जरूर कीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा इसी की तरह के लेटेस्ट सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे तो यहाँ पर तो ये हायर कर रही है टेक्निकल इंटर्न के लिए, सेम एज जो एलिटमस अपने थ्रू से हायर कर रही थी वैसा ही है। बट इस यहाँ से आपको जो आप रिप्लाई आता है वो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं रदर देन एलिटमस, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग ऑलरेडी अप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों से चांसेस बराबर ही हैं। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तभी आप लोग रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट वन डे यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ओके, सो नेवर गिव अप। ओके, हमेशा अप्लाई करो, कहीं ना कहीं आप लोग का जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोल आपका टेक्निकल इंटर्न का रोल होने वाला है। ठीक है, लोकेशन आपकी बैंगलोर की होने वाली है। आपको क्या क्या होने चाहिए, C++, जावा, अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड राइटिंग प्रोफेशनल एप्लीकेशन एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट लर्न इन एकेडमिक। ओके, कंपनी ओवरव्यू की बात करूँ तो पता ही क्या होती है, एक एंटीवायरस टाइप की होती है जिसमें हम लोग सिक्योर कर सकते हैं डिवाइसेस को। ठीक है, और बात करें अबाउट द रोल तो वी आर लुकिंग फॉर द स्मार्ट कैंडिडेट हु पैशनेट अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है, क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इन C++ डेटा स्ट्रक्चर, गुड नॉलेज इन RDBMS रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद गुड नॉलेज इन कंप्यूटर नेटवर्क, नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग का सिलेबस में भी आई थिंक होगा आप लोगों के। ठीक है, तो यह बात करूँ कंपनी बेनिफिट पर कि पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लान्स, मेडिकल डेंटल एंड विजन जो बहुत अच्छे खासी देखने को मिल जाती है, सब इतनी बड़ी बड़ी MNC कंपनीज में आपको इतना कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के सिंपल आपको अप्लाई ना पर क्लिक करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, माय वर्क डे का पेज है तो आपको पता ही होगा कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा है ऑलरेडी मैं अप्लीकेशन अप्लाई कर चुका हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगआउट मार लेता हूँ, फिर आप लोगों को पता अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ, अभी जस्ट मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, आप लोग को ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आप लोग को सिंपल यहाँ पर आएगा लॉगिन और क्रिएट का। अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट क्लिक कर लीजिएगा, इसके बाद आपको सिंपल अपना ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपको सिंपल आपको मेल में आएगा कंफर्म करना है, फिर सिंपल स्टेप है अपना रिज्यूमे ऐड करना है, उसको ऑटोमेटिक वो सारा फिलअप हो जाएगा, फिर अप्लाई कर दीजिएगा। होप करता हूं फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। होप करता हूं फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक फिर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।